उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जीत हो मेरे दोस्त, तो परिस्थितियां कोई भी हो हरा नहीं सकती। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी 2020 के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। पूरी क्वेश्चन पेपर ये दो पार्ट में आपका जो है सॉल्व कराया जाएगा, तो इसको वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। तो ये जो है ये पेपर 2020 का है। किस यूनिवर्सिटी का है? तो ये DDU का है। DDU की अगर हम बात करें तो DDU में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 पूछे जाते हैं। कितने? 100। निगेटिव मार्किंग होती है? नहीं। इसका आंसर है नहीं। चूँकि कई बच्चे हमारे पास कॉल मैसेज कमेंट आते रहते हैं कि सर कितने क्वेश्चन आते हैं, पेपर पैटर्न है क्या है, कि इसका सिलेबस क्या है, इन सभी पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है, उसे जाइए आप लोग देखिए। और कोई उसके बाद भी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है इस तरीके से कुछ पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। 2 घंटे टोटल आपको मिलेंगे, ठीक। कितने अंक के? 200 अंक के होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, निर्देश दिया गया है, इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेंगे, वरना हम खुद बता देंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन, यानी ढलवा लोहे में जो है परसेंटेज कितना होता है किसका? कार्बन का। तो ढलवा लोहे में कितना परसेंट होता है? पाया जाता है 2.5 से 4% पाया जाता है, परंतु यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 2.2 से 4.3%, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि पिस्टन ऑफ एन इंजन इज कनेक्टेड विथ, मतलब पिस्टन जो जुड़ा होता है, इंजन का पिस्टन जो जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है? तो इसके करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो हो जाएगा कनेक्टिंग रॉड, यानी जो संयोजी क्षण होता है उससे पिस्टन जो होता है, इंजन का पिस्टन जो होता है वो संयोजी क्षण के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हल के खिंचाव को प्रभावित करता है, जो हल का खिंचाव होता है उसको कैसे प्रभावित करता है? तो हल का खिंचाव चौड़ाई अगर बढ़ाएंगे तभी प्रभावित होगा, अगर गहराई बढ़ाएंगे या घटाएंगे तब भी प्रभावित होगा। भूमि का प्रतिरोध यानी कंकड़ पत्थर घास फूस जो भी हो खरपतवार हो ये सब आएंगे तब भी बढ़ेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये जो है ये पेपर जो है 2020 का है, पुराने पैटर्न पे है, अब नया पैटर्न आ गया है इसका। इस पेपर जो है DDU यूनिवर्सिटी अब नए पैटर्न पे कराती है, ये जो है पुराने पैटर्न पे है, तो इसलिए इसमें जो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की ये सब क्वेश्चन चल रहे हैं, कृषि अभियंत्रण की, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि बाघ का हैरो किसे कहते हैं? विच वन इज कॉल्ड ऑर्चिड हैरो, मतलब बाघ का हैरो हम लोग किसे बोलते हैं? तो वो है ऑफसेट हैरो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि प्रजा हल का फार बना होता है, जो प्रजा हल होता है उसका फार बना होता है किससे बना होता है, किस लोहे से बना होता है? तो इसको इसका जो करेक्ट आंसर होगा चिल्ड कास्ट आयरन, यानी द्रुत सीती ढलवा लोहे के बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है आफ्टर हार्डनिंग स्टील बिकम्स, मतलब कठोरीकरण के बाद जो होता है स्टील क्या हो जाता है? तो स्टील की अगर हम बात करें कठोरीकरण के बाद स्टील क्या हो जाता है, तो ब्रिटल हो जाता है यानी भंगुर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट, प्राइमरी टीलेज का इम्प्लीमेंट कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक भूपरिष्करण का यंत्र है? देखिए वो सभी यंत्र जो मिट्टी पलटने वाले हल होंगे, सभी यंत्र जो मिट्टी पलटते हैं वो किस में आएंगे? प्राथमिक भूपरिष्करण में, यानी तवादार हल जो है, तवादार हल ये मिट्टी पलटने का ही काम करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछा जा रहा है सीड ड्रिल डज नॉट कंट्रोल, यानी सीड ड्रिल के द्वारा क्या चीज़ नहीं नियंत्रित होता है, क्या चीज़ कंट्रोल नहीं होता है? सीड रेट बिल्कुल ये कंट्रोल हो जाता है, डेप्थ ऑफ सीडलिंग ये भी कंट्रोल होता है,
कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन लाइन टू लाइन, ये भी डिस्टेंस कंट्रोल होता है। अब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सीड टू सीड, सीड और सीड के बीच की जो दूरी होती है वो नहीं इसे कंट्रोल किया जा सकता है सीड ड्रिल के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना जल होता है, हाउ मच वाटर इज देयर इज वन हेक्टेयर सेंटीमीटर, मतलब एक हेक्टेयर जो सेंटीमीटर होता है उसमें कितना जल होता है, तो 100,000 लीटर होता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जब भी आप क्वेश्चन किया करिए, आपके अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं पहले हिंदी पढ़िए, फिर उसके बाद एक बार इंग्लिश ज़रूर पढ़िए, यानी दोनों लैंग्वेज पढ़ के ही आंसर दीजिए। ज़्यादातर इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं इंग्लिश पढ़ के दे सकते हैं, क्योंकि जो भी माना जाता है क्वेश्चन इंग्लिश का ही सर्वमान्य होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग दोनों लैंग्वेज पढ़ के दिया करिए पेपर, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि 100 वाट के एक बल्ब के 30 दिन तक 8 घंटा रोज जलने पर विद्युत कितनी यूनिट खर्च होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक फार्मूला होता है, यूनिट इज इक्वल टू होता है वाट और मल्टीप्लाई बाय डे मल्टीप्लाई बाय आवर्स अपॉन 1000। अब यहाँ अगर हम करेंगे तो वाट को करेंगे 100 कर देंगे, ठीक, डे को करेंगे 30 कर देंगे, 30 से फिर करेंगे 8 कर देंगे, 8 के नीचे कर देंगे थाउजेंड्स कर देंगे, देखिए 0 से 0 0 0 0 ख़त्म, 8×24 यानी 24 यूनिट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे जो है अब जियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जियोलॉजी में क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब जो हनी बी की कॉलोनी में ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन किसे बोलते हैं, तो मधुमक्खी के जो नर होते हैं मेल होते हैं उन्हें हम लोग ड्रोन्स बोलते हैं, ये कैसे मतलब प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पादित होते हैं, निषेची तंडों से नहीं होंगे, अनिषेची तंडों से इनका जो है उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है निम्नलिखित में से सामाजिक कीट कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इंसेक्ट, कौन सा है इसमें से जो है सोशल इंसेक्ट कौन है, वो है टर्माइट। टर्माइट को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक लेइंग मशीन, और वाइट एंट के नाम से जानते हैं, वाइट एंट के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है कि टीनिया भोजन ग्रहण करता है, टीनिया टेक्स फूड थ्रो, मतलब जो टीनिया होता है वो किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तो वो बॉडी वाल के द्वारा करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, देह भित्ति के द्वारा करता है। अब आगे बात करते हैं, आगे पूछा जा रहा है कि 14 नंबर में, कह रहा है सीलिया आर एब्सेंट, मतलब सीलिया जो होता है ये किस में एब्सेंट होता है, प्रोटोजोआ में पाया जाता है, एनिलिडा में पाया जाता है, मोलस्का में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर आर्थ्रोपोडा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए कि और मतलब और पेपर आपको सॉल्व कराया जाए कि नहीं कराया जाए, और अपना राय जरूर कमेंट में लिखा करिए। चलिए आगे पूछा जा रहा है मैल्पीगी नलिकाएं जो होती हैं, मैल्पीगियन ट्यूब्स जो होती हैं, इनसे मतलब कौन से कार्य होता है इनसे, तो इनसे जो है उत्सर्जन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं मतलब जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो यूज करते हैं उत्सर्जन के लिए, ठीक। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, मतलब रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, वह विटामिन कौन सा है, तो विटामिन कौन है, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। ये हजारों बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कई बच्चे होते हैं गलत करके चले आते हैं, तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, कह रहा है दो विभिन्न प्रकार के जीवों के मध्य एक ऐसा संबंध जिसमें एक प्राणी को लाभ होता है जबकि दूसरे को न लाभ न हानि होता है कहलाता है, मतलब जो है
कि दो संबंध जीव जो एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एक को लाभ होता है, एक को न लाभ होता है न हानि होता है, क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं सहभोजिता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक धान नाशक कीट है। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेस्ट ऑफ पैडी, मतलब पैडी का पेस्ट कौन सा है। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट के बारे में आप लोगों ने कभी सोचा है कि पेस्ट क्या होता है? पेस्ट देखिए, पेस्ट जो भी मनुष्य जो है, मनुष्य को अगर इकोनॉमिक्स लॉस पहुंचा रहा है तो वो पेस्ट हो जाएगा। अगर आप ही हैं हमारा जो है इकोनॉमिक लॉस पहुंचा रहे हैं तो आप मेरे लिए पेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए धान जो है, धान के लिए जो इकोनॉमिक लॉस होता है, चाहे वो डिजीज हो, चाहे कुछ भी हो, इंसेक्ट हो, चाहे कोई आपदा आ गई, वो भी पेस्ट का काम करेगी। किसके लिए? पैडी के लिए। तो इसका जो है लेप्टोकोराइजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन के जो है पूछा जा रहा है कि अरहर का बॉटनिकल नेम क्या है। अरहर का जो है बॉटनिकल नेम क्या है, तो इसका जो बॉटनिकल नेम है कैजेनस कजान है। कैजेनस कजान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि गेहूं का जो पौधा है किस कुल से संबंधित है। जो वीट प्लांट इज बिलोंग टू द फैमिली, मतलब वीट जो प्लांट है वो किससे बिलोंग करता है, तो ये ग्रेमनी। किससे बिलोंग करता है? ग्रेमनी। इसको हम लोग पोएसी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पोएसी के नाम से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के पिता जो हैं वो कहलाते हैं आपको थियोफ्रास्टस। कौन? थियोफ्रास्टस। स्टेफन हेल्स जो है पादप कायकी के जनक है। क्रॉप फिजियोलॉजी के जो जनक हैं वो स्टेफन हेल्स हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कोशिका का विद्युत गृह किसे बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इज, मतलब जो सेल का पावर हाउस होता है वो उसे हम मतलब वह कोशिकांग जो सेल का पावर हाउस कहा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं माइटोकांड्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो है किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो है लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है। अब आगे बात करते हैं। कह रहा है धान में होता है, मतलब धान में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है। तो धान में पुंकेसरों की संख्या 6 होती है। और बाकी ग्रेमनी कुल के सभी प्लांट्स में कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आपको लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ग्रेमनी कुल के पौधों में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर पूछा जा रहा है कि व्हेन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए कह रहा है सोमैटिक डिवीजन कैन बी सीन, मतलब जो सोमैटिक डिवीजन होता है ये कहाँ होता है, कायिक जो विभाजन होता है ये कहाँ देखने को मिलता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलती हैं। कहाँ? रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, यहाँ प्लांट फ्लावर आ जाएगा। और अगर हम लोग बात करें अन्य वेजिटेटिव पार्ट में कौन सा होता है, तो वो होता है आपका वेजिटेटिव डिवीजन होता है। जैसे पत्ती में होता है, तने के अग्रबिंदु पर होता है, तने और जड़ के अग्रबिंदु पर कौन सा होता है, वो होता है आपका वेजिटेटिव डिवीजन। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए। फिजिक्स के क्वेश्चन संतोष सर ने पढ़ाए हैं, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, हम केवल आंसर बताएंगे। ठीक, उसे आप लोग जाके देखिएगा, पूरा वो सॉल्व करा दिए हैं। ठीक, तो उसे आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है आदर्श तरल पदार्थों की कठोरता होती है, मतलब जो आदर्श तरल पदार्थ होते हैं उनकी कठोरता कितनी होती है, तो वो 0 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। 28 नंबर कह रहा है कि अनंत पर स्थित स्रोत के कारण जो तरंग होता है वो कैसा होता है। कह रहा है वेव फ्रंट ड्यू टू सोर्स सिचुएटेड
एट इन्फिनिटी इज, मतलब जो है अनंत स्थित स्रोत के कारण जो तरंग होता है कैसा होता है, वो होता है समतल होता है, प्लेन होता है, कैसा होता है, प्लेन होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है एक बिजली बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है और 100 वाट, जब इसे 110 वोल्ट पर संचालित किया जाता है तो खपत की जाने वाली बिजली क्या है। इसे आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 वाट आएगा। ठीक, चूँकि इतना टाइम नहीं है कि आपको सॉल्व कराया जाए, आपका पेपर एकदम सर पे है, तो आप लोग जोरों शोरों से तैयारी करिए। बाकी हमसे कोई सपोर्ट लेना होगा तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी आपकी मदद करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। कह रहा है विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण जनित्र यानी जनरेटर जो है, इसके द्वारा हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो जनित्र होता है उसके द्वारा हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कह रहा है पृथ्वी का घूर्णन अपनी ध्रुवी के चारों ओर होता है, मतलब जो पृथ्वी का घूर्णन होता है ये ध्रुव की ओर आवर्ती गति में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होता है? आवर्ती गति में। ठीक, पीरियडिक मोशन में होता है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है सूरज की रोशनी पड़ने पर पानी का जो तेल का पतली फिल्में शानदार रंग दिखाई देती हैं, ये कैसे होती है? ये जो होती हैं ये व्यतिकरण के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? व्यतिकरण के कारण शानदार रंगीन कलर की दिखाई देती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है व्यतिकरण की घटना आधारित है, मतलब जो व्यतिकरण की घटना है वो किस पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण क्या बोलता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही ख़त्म की जा सकती है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जा सकती है, चेंज केवल की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही है। ठीक, चलिए 34 नंबर की बात करते हैं। 34 नंबर बोल रहा है प्रतिरोध आर के तार का एक टुकड़ा 5 समान भागों में हम लोग बांट देते हैं, काट देते हैं। ठीक, इन भागों को फिर समानांतर में जोड़ देते हैं। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर और आर डैश का अनुपात क्या होगा? ठीक, इस क्वेश्चन को मतलब ये कह रहा है कि जो प्रतिरोध है आर, उसको हम लोग 5 टुकड़े में काट दे रहे हैं। ठीक, तो फिर समानांतर में उसके बाद जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद जो इसका समतुल्य प्रतिरोध आ रहा है आर डैश आ रहा है, तो उसमें जो है आर और आर डैश में क्या अनुपात होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका जो आएगा 25:1 में आएगा इसका रेशियो। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं। कह रहा है एवोगाड्रो नंबर इज, मतलब एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है, तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10³ होता है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो इसमें परमाणु भार बराबर होता है 2×वाष्प घनत्व। तो क्या होता है? परमाणु भार बराबर 2×वाष्प घनत्व। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4 का विलयन कैसे है, क्षारीय है, उदासीन है, अम्लीय है, कैसे है? तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो अम्लीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है जब 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कितना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मतलब जो 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसको हम लोग गर्म कर देते हैं तो कितना ग्राम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर 40 ग्राम बनता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है, इसकी स्थिति बतानी है आवर्त सारणी में कि इसका स्थान कहाँ है। तो अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक 7 की किसका होता है, तो नाइट्रोजन का होता है। इसकी अगर समूह की बात करें, ग्रुप की बात करें, तो फिफ्थ ग्रुप में और सेकेंड आवर्त में आता है। ठीक, चलिए हम बात कर रहे हैं कि सफ़ेद
फास्फोरस का अणुसूत्र कितना क्या होता है? जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? P4। इसका अणुसूत्र होता है P4। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोहे का अयस्क है? लोहे के अयस्क के बारे में अगर हम बात करें तो लोहे के अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है जब एसिटिलीन को अमोनिया क्यूप्रस क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या देता है? लाल अवक्षेप देता है। क्या देता है? लाल अवक्षेप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और सेकेंड पार्ट देखने के लिए आप लोग जल्द ही आपको इसी चैनल टारगेट गुरुकुल पे मिल जाएगा। अगर आपने टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ये जो है क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, सेंड करें ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट के साथ।